आज मैं आपके लिए 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.2 लेके हाजिर हुआ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर अ गिवन रेडियस एंड सेंट्रल एंगल। आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल है 5/3 रेडियन। लेंथ ऑफ द आर्क एल हमने मालूम करना है, हमारे पास फार्मूला है। ये क्वेश्चन मालूम करने से पहले हम इसकी थोड़ी बेसिक्स को पहले सोल्व कर लेते हैं। पास जो हमारे पास वैल्यू है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट में आएगा, आपके पास एक फार्मूला है एल इक्वल टू आर थीटा, और सेक्टर मालूम करने के लिए ए इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा है। आर का मतलब है अ पार्ट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर। ये सर्कल मैंने बनाया है, ये आपको आर नज़र आ रही है, ब्लू कलर की लाइन है ए और बी। सर्कल के अंदर ये जो ए और बी है, ये सेक्टर आपका इधर भी हो सकता है, इधर ऊपर भी हो सकता है, इसको आप आर का नाम देंगे। सेगमेंट ऑफ द सर्कल में आता है आप द पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब कॉर्ड क्या चीज़ है, अब जब आप सर्कल के दरमियान से काटेंगे तो वो डायमीटर कहलाएगा, और दरमियान के अलावा आप किसी जगह से भी सर्कल को काटेंगे तो वो कॉर्ड को शो करेगा। कॉर्ड ये होता है सर्कल के अंदर, दरमियान के अलावा किसी जगह से भी आप काटेंगे, ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, तो ये कॉर्ड कहलाएगा इसका। आगे सेक्टर ऑफ द सर्कल, अ पार्ट ऑफ द सर्कल इज बॉन्डेड बाय द टू रेडियाई एंड आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। टू रेडियाई का क्या मतलब है, किसी सर्कल के अंदर एक पॉइंट आप दरमियान में लेंगे और उन दोनों उस पॉइंट को दो हिस्सों में आप मिला देंगे, और वो दो हिस्से एक एंगल को शो करेंगे, और एंगल उन दोनों लाइनों के ऊपर दो रेडियस हमारे आ रहे हैं, उन दो रेडियस को हम नाम देंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल। आगे जो फार्मूला है हमारे पास एल इक्वल टू आर थीटा, इसमें एल जो है वो लेंथ ऑफ द सर्कल, आर क्या है आर रेडियस ऑफ द सर्कल है, और एंगल उसका सेंट्रल एंगल इन रेडियाई है। तो बच्चों आगे जो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एल इक्वल टू आर थीटा हमने लगाया है, आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, एंगल हमारा 5/3 है, वो वैल्यू हम पुट करेंगे, पाई की वैल्यू बच्चों पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 डिवाइडेड बाय 3, एल की वैल्यू आंसर हमारे पास आ गया 5.24 सेंटीमीटर। आगे एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया है हाफ आर स्क्वायर एंगल। अब बच्चों एरिया इक्वल टू हाफ आर की वैल्यू आपको पता है 5 सेंटीमीटर है, 5 पुट करेंगे, एंगल हमारे पास 5/3 है, 5/3 वैल्यू पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 25, आगे पाई है 3.14 डिवाइडेड बाय 3, ये बच्चों ऊपर तीनों मल्टीप्लाई होंगे, नीचे मल्टीप्लाई होंगे 78.54 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 13.09। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास आर इक्वल टू 12 मीटर, एंगल है 120 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वी कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, एंगल है हमारा 120 डिग्री, तो 120 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180, तो हमारे पास आ जाएगा 2π/3। पहले हमने पहला फार्मूला लगाया एल इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल टू हमारे पास आर बच्चों 12 आर है, तो 12 हमने पुट किया, आगे एंगल 2π/3 आ रहा है वो पुट किया। अब बच्चों 12 2 24, पाई की जगह हमने वैल्यू पुट किया 3.1416 डिवाइडेड बाई 3, अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 75.39 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास आ गया 29.13 सेंटीमीटर। आगे एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना था, एरिया हमने पुट किया है ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ए इक्वल टू 1/2 आर की जगह हमने वही 12 पुट किया, 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2π/3, 2π/3 अब 12 का हमने स्क्वायर लिया 144 है, मल्टीप्लाई 2 × 3 पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, तो एरिया हमारे पास आ गया 452.3904, तो ये इसको हमने डिवाइड किया 3 के साथ, हमारे पास आ गया 150.77। आगे पार्ट 3 आर इक्वल टू 6 dm, एंगल है हमारे पास 60° 45' 13" सबसे पहले हमने इसको चेंज किया, एंगल है हमारे पास 60° 45' 30" में 5 मिनट को हमने डिवाइडेड किया 60 के साथ, और 30 को हमने डिवाइड किया 60 × 60, एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री, इसको हमने नहीं छेड़ना, 45 × 60 किया 0.75 आ गया, प्लस इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.0083, इसको हमने इकट्ठा देख लिया एंगल 60.7583 डिग्री। अब ये डिग्री में सारे चेंज हो गया क्योंकि इन तीनों को हमने प्लस कर लिए,
तो एंगल हमारे पास आ गया 6.7583, इसको मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180, पाई की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 3.14 डिवाइडेड बाय 180 किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.6004 रेडियन। आगे बच्चों हमारे पास एंगल आ गया आर, हमारे पास मौजूद है लेंथ का फॉर्मूला हमने लगाया एल इक्वल टू आर थीटा, एल इक्वल टू आर हमारा है 6 और आगे थीटा हमारा है 1.0604, तो लेंथ हमारे पास आ गई है 6.36 dm। आगे एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ए इक्वल टू 1/2 आर की वैल्यू वही है 6 का स्क्वायर, आगे एंगल हमने ये वाला पुट किया है 1.604, तो हमारे पास एरिया सेक्टर आ गया 1/2, 6 का स्क्वायर 36 है। आगे ये इसी तरह लिखे हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 पे डिवाइड किया है तो हमारे पास एरिया आ गया 19.08 डेसिमल स्क्वायर। नंबर 2 है हमारे पास, द सेंट्रल एंगल इन द सर्कल ऑफ द रेडियस 4 cm इन 75°, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरप्ट आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाय द सेक्टर। आर है हमारे पास 4 cm, एंगल है 75°। बच्चों लेंथ ऑफ आर्क हमने फाइंड आउट करनी है और वही एरिया ऑफ सेक्टर। फर्स्ट वी कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम द डिग्री टू रेडियन। एंगल हमारे पास 75°, डिग्री को रेडियन में चेंज किया पाई बाय 180 किया तो 75 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180 तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1.309। लेंथ का फॉर्मूला है आर थीटा, आर है हमारे पास 4 cm और एंगल हमने भी फाइंड आउट किया 1.309, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास लेंथ आ गया 5.24 cm। आगे एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना है, ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ए इक्वल टू 1/2 आर हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर आ गया, एंगल हमारे पास 1.309 आ रहा है, ए इक्वल टू 1/2 4 का स्क्वायर 16 1.309 है, ए इक्वल टू हमारे पास आ गया 10.48। तो यही हमने मालूम करना था, अगर यूनिट है इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डाटा। मतलब लेंथ है हमारे पास 8 cm, आर है 4 cm, तो हमने एंगल मालूम करना है, वही फार्मूला है एल इक्वल टू आर थीटा। अब थीटा हमारे पास आ गया एल बाय आर, एल की जगह एल की वैल्यू पुट किया, आर की जगह आर की पुट किया तो हमारे पास 2 रेडियन आंसर आ गया। आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल इक्वल टू 8.5 और आगे बच्चों हमारे पास आर है 2.25, ये थोड़ा ऊपर हो गया इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है, हमने एंगल ही फाइंड आउट करना था। एंगल का फॉर्मूला है आपके पास है एल बाय आर, एल की जगह एल की वाली पुट की 8.5 डिवाइडेड बाई 2.25 तो एंगल हमारे पास आ गया 3.78 रेडियन। थर्ड क्वेश्चन है, एरिया 45 cm स्क्वायर, आर है 10.70 cm, एंगल हमने मालूम करना था तो बच्चों वही पर ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और आर स्क्वायर को नीचे डिवाइड कर दिया, एंगल हमारे पास आ गया 2a डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो बच्चों एंगल वही फार्मूला हमने इधर पुट किया है तो एंगल इक्वल टू 2, एरिया की जगह 45 लिख दिया हमने, आगे आर 10.70 का स्क्वायर है तो बच्चों 45 मल्टीप्लाई 290 उसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास इसका आ गया 114.49, तो एंगल हमारा आ गया इसमें 0.79 रेडियन। अगर क्वेश्चन नंबर 4 है, एरिया हमारे पास 100 cm स्क्वायर है, लेंथ हमारे पास 10 cm है, एंगल हमने फाइंड आउट करना है, वही है एरिया का फॉर्मूला लगाया है हमने ए इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो अब बच्चों हमने लेंथ भी हमारे पास मौजूद थी तो वो दूसरा फार्मूला जो हमारे पास है आर इक्वल टू एल बाय थीटा, तो आर का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर बटा थीटा का स्क्वायर, एंगल एंगल से काट गया तो हमारे पास ए आ गया ए इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 थीटा। तो बच्चों एंगल हमने फाइंड आउट करना था तो एंगल को हम उठा के ए की जगह ले गए हैं और ए को उठा के एंगल की जगह ले आए हैं, तो बच्चों हमारे पास एंगल आ गया एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी है, एल हमारे पास है 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एरिया हमारे पास 100 है, 100 पुट करेंगे आप तो एंगल हमारे पास ये 10 का स्क्वायर भी 100 हो जाएगा, 100 कट जाएगा, एंगल हमारे पास आ गया 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो एंगल हमारे पास आ जाएगा 0.5 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन।
लेंथ है बच्चों हमारे पास 4 सेंटीमीटर, एंगल हमारा पाई रेडियन है, आर हमने मालूम करना है। आर हमारे पास इक्वल आ रहा है एल बाय थीटा, ये कहाँ से है, ये फार्मूला है एल इक्वल टू आर थीटा, आर इक्वल टू एल बाय थीटा। अब आर इक्वल टू एल हमारा 4 है, 4 पुट कर देंगे, एंगल हमारा पाई है, पाई पुट करेंगे, आर इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू 3.14, तो आर हमारे पास आ गया 1.27 सेंटीमीटर। लेंथ है हमारे पास 6 मीटर, एंगल है हमारा 15 डिग्री, आर हमने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, एंगल है 15 डिग्री, तो 15 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 15 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 180, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.2618 रेडियन। फार्मूला हमने लगाया है आर इक्वल टू एल बाई थीटा। अब आर है, एल हमारे पास 6 है, 6 पुट करेंगे, थीटा 0.2618, तो बच्चों आर हमारे पास आ गया 22.9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एरिया हमारा आर है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंगल है पाई बाय 4, आर हमने फाइंड आउट करना है। पहले एंगल को हमने पुट किया है, पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाई 4, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 0.7856। आर हमने मालूम करना था इसका बच्चों, हमने ये फार्मूला पुट किया है ए इक्वल टू 1/2 r² थीटा। अब आर स्क्वायर उधर ही रह गया, ए 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और एंगल नीचे डिवाइड हो गया बच्चों, ऊपर अंडर रूट ले लिया, आर इक्वल टू अंडर रूट 2a/θ। अब आर इक्वल टू 2 एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लिखी है 200 θ, हमारा 0.7856, आर हमारा आ गया 509.294, इसका अंडर रूट लिया तो आर हमारा आ गया 22.57 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू 10 किलोमीटर, वी है हमारा 42 किलोमीटर बराबर, किलोमीटर पर आवर का हमें चेंज करना है, मिनट्स में 42 / 60 किया तो हमारे पास 0.7 किलोमीटर पर मिनट आ गया। एंगल हमने फाइंड आउट करना है, टाइम हमारे पास 21 मिनट्स हैं, तो बच्चों एल इक्वल टू आर थीटा, एंगल हमारे पास एल बाय आर क्या होता है। अब बच्चों हमारे पास एल नहीं था, एल हमने क्वेश्चन लगाई है एस इक्वल टू वी टी, एस की जगह हमने एल कर दिया इक्वल टू वी टी, वी का वैल्यू है हमारे पास 0.7 मल्टीप्लाई 21, तो बच्चों 0.7 यहाँ से आया, 21 ये दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 14.7 किलोमीटर आ गया। अब हमने ये फार्मूला लगाया, एंगल इक्वल टू एल बाय आर, एल की जगह वैल्यू लिखी है 14.7 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है 10, दोनों को डिवाइड किया हमारे पास आ गया 1.47। आगे हमने इसको डिग्री में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो एंगल हमारे पास आ गया 84 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द हाफ सर्कल विद द फॉलोइंग फिगर बाई यूजिंग द फार्मूला। हाफ फिगर में बच्चों हमने इसको मालूम करना है, हाफ फिगर का क्या मतलब है, अब ये सर्कल हमने एक शो किया है, सर्कल यहाँ से आपस में मिल रहा है तो ये डायमीटर है जो 12 सेंटीमीटर उसने हमें दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर उसने हमें दिया हुआ है, और ए से बी तक जो है वो डायमीटर है हमारा। हमने फार्मूला पर लगाना है एल इक्वल टू आर थीटा, एरिया सेक्टर 1/2 r² थीटा, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल है तो पी हमने इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एरिया ऑफ द हाफ सर्कल ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमने फार्मूला लगाया पेरीमीटर का, पी इक्वल टू एल प्लस डी। अब बच्चों इसका हमें पता है एल इक्वल टू किसके आर थीटा का, अब हमने एल की जगह आर थीटा प्लस डी पुट कर दिया, हमारे पास आर नहीं था तो ये तो बारी हमें पता थी कि ये 12 है, तो आर इक्वल टू डी बाई टू, आपको पता है रेडियस निकालने के लिए डायमीटर डिवाइडेड बाई टू होता है, तो 12 / 2 इक्वल टू 6 मीटर आ गया। अब पेरीमीटर में हम आ गए हैं, आर की जगह 6 पुट कर दिया, एंगल हमारा पाई है प्लस डी, 6 × 3.1416 प्लस 12, तो ये आ गया 18.8496 प्लस 12, तो पेरीमीटर हमने फाइंड आउट कर लिया 13.85 सेंटीमीटर। आगे बच्चों हमने एरिया निकालना था, तो एरिया इक्वल टू 1/2 r² थीटा, एरिया इक्वल टू 1/2 r, हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर, एंगल हमारा पाई है, तो ए इक्वल टू 1/2 6² 36, पाई है 3.1416, तो एरिया हमारे पास आ गया 56.55 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हावर हैंड एंड मिनट्स हैंड ऑफ द सर्कल एट, जैसे हमें 3 वैल्यू दी थी 9 o'clock, 2.30 और तीसरा दिया उसने 6.845। पहला क्वेश्चन हमने इसको करना है बच्चों, आपको पता है कि ये जो काउंटिंग आ रही है टोटल 12 तक घड़ी के अंदर आती है, और इसका टोटल एंगल बनता है वो 360 का बनता है, तो टोटल एंगल हमने बताया 360 डिग्री, टोटल पार्ट्स 12
ट्वेल्व पार्ट्स हैं इसके अंदर, एंगल फॉर वन पार्ट्स हमने निकालने हैं, तो 360 डिवाइड बाई 12 किया तो 30 डिग्री आ गए। अब बच्चों हमने निकालने हैं नाइन से आगे देखें कितने पॉइंट है, एक दो तीन। तो बच्चों हमने एंगल बिटवीन अवर हैंड्स 3 × 30 किया तो हमारे पास 90 डिग्री आ गए। नो वी कन्वर्ट एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, 90 × π/180 हमारे पास आ गए π/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने अपना सोल्व कर लिया। आगे दूसरा क्वेश्चन है, 2:30 हुए, 2:30 है बच्चों, दोनों को हावर्स को और मिनट्स को लेता लेता लिखे, 2 और मिनट्स है 13। अब हावर प्लस मिनट डिवाइडेड बाई 60 × 30 आवर्स, 2 + मिनट 30/60 × 30 डिग्री हमने कर दिए। 2+ इन दोनों को डिवाइड किया हमारे पास आ गया 0.5 × 30 डिग्री। अब बच्चों इन दोनों को हमने प्लस किया, ये हमारे पास आ गया 2.5 × 30, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 75। आगे बच्चों उसका आ रहा है 30 मिनट्स। अब मिनट को हमने चेंज करना है, तो मिनट्स हम करेंगे मल्टीप्लाई 6। अब 30 × 6 हमने किया तो हमारे पास 180 का एंगल आया। अब ये 6 किस तरह आए हैं बच्चों, अब 30 है, 30 किधर आ रही है इसकी घड़ी, इधर 6 पे आ रही है, 6 से आगे कितने कितने पॉइंट बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस वजह से ये 6 आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 180 एंगल आ गया। अब एंगल बिटवीन हावर्स हैंड एंड मिनट्स हैंड्स 230 है, हमारे पास पहला कितना आया, पहला बच्चों हमारे पास आया 180 ये वाला है और पहले वाला हमारा आया 75। तो हम क्या करेंगे, 180 - 75 ये आ गए 105 डिग्री। तो 1 डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करना है, 105 × π/180, तो इसकी कटिंग किया तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 7π/12। तीसरा 6:45 हुए हैं, उसी तरह हावर्स को और मिनट्स को हमने लदा कर दिया, हावर्स 6 हो गए हैं और मिनट हमारे पास 45 हो गए। हावर प्लस मिनट डिवाइडेड बाई 60 × 30 डिग्री। अब 6 है, 6 + 45 है, 45 डिवाइडेड बाई 60 किया हमने तो हमारे पास 0.75 आ गए। इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 6.75 × 30, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया इसका 202.5। अब बच्चों हमारे पास क्या हुआ है, 6:45 हुए हैं, घड़ी में आपको नज़र आता है कि जब 6:45 हुए होते हैं तो ये जो बड़ी सुई होती है ये तकरीबन 7 के बिल्कुल करीब होती है। 7 के करीब होने की वजह से हमने आगे क्या किया, मिनट्स हैंड्स, मिनट्स कितने, मिनट्स मल्टीप्लाई 60। अब बच्चों 60 है तो 45, मिनट्स है मल्टीप्लाई 60 किया तो ये आ गया 270 एंगल है इसका आ गया। अब 270 में से हमने 202 को माइनस कर दी है, तो माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 67.5। ये एंगल हमारे पास डिग्री में आ रहा है, इसको रेडियन में चेंज करना है, मल्टीप्लाई π/180, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 3π/। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।